नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय डाक विभाग के संदर्भ में निकली हुई भर्ती के संदर्भ में, जिसके माध्यम से आप लोगों को अपनी बेरोजगारी को दूर करने का एक मौका पुनः प्रदान किया गया है। तो भारतीय डाक विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश सर्किल के लिए जो है 4264 पोस्ट पर भर्ती होने की नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। तो इसके संदर्भ में किस तरीके से आवेदन करने हैं, उसके चयन के क्या मानक हैं और इसी तरीके से आपको क्या वेतन मिलेंगे, इन सभी बिंदुओं पर हम क्रमवार आप लोगों से जो है चर्चा कर रहे हैं इस लेक्चर में, जिसका नाम है डाक विभाग भर्ती 2021। तो आइए हम लोग एक एक करके इसके बारे में जो है चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसमें जो भर्ती होती है। तो एक सामान्य जानकारी यही है कि भारतीय डाक विभाग में जो है ये पोस्ट निकली हुई है, इंडियन पोस्ट भारतीय डाक विभाग में, भारतीय डाक यानी कि डाक संचार, दूर संचार, ये सारे विशेष संघ सूची के अंतर्गत शामिल होते हैं। भारतीय डाक जो है, डाक संचार तार, ये सारी चीजें जो है वो संघ सूची का विषय है, लेकिन यहाँ पे यूपी सर्किल के अंतर्गत जो पोस्ट निकाले गए हैं वह जो है 4264 पोस्ट पर भर्ती जो है होनी है। तो इसलिए जो है ये जो डाक विभाग है ये पूरे देश में जो है विभिन्न सर्किलों में बटा हुआ है और यहाँ पे यूपी सर्किल के अंतर्गत ये पोस्ट जो है निकाली गई है। इसी तरीके से अन्य सभी जो है सर्किल के लिए भी जो है पोस्ट अलग अलग जो है पदों पर निकाली गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सर्किल के लिए 4264 पदों पर भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। तो यह जो सामान्य जानकारी थी और आवेदन की जो स्थिति है वो आवेदन आप लोगों का यहाँ पे प्रारंभ हो चुका है, आवेदन जो है प्रारंभ हो चुका है। और दूसरा, इसमें अंतिम तिथि जो है वो 22 सितंबर के लिए जो है बनाई गई है, 22 सितंबर 2021 तक इसमें जो है आवेदन आप लोग कर सकते हैं। ये जो है आवेदन की स्थिति है कि ये वर्तमान समय में प्रारंभ हो चुका है। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 22 सितंबर 2021 है। इसी तरीके से यहाँ पे जो शुल्क आप लोगों को जमा करना है वो अनारक्षित वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए और इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली बीकर सेक्शन के लिए जो है ₹100 जो है निर्धारित किए गए हैं और एससी एसटी के लिए निःशुल्क, एससी और एसटी वर्ग के लिए जो है यहाँ पे कोई शुल्क जमा नहीं करना है, निःशुल्क फॉर्म के लिए आवेदन की गई है। यह जो है आवेदन के स्टेटस से संबंधित एक सामान्य जानकारी है। प्रारंभ हो चुका है, इसका स्टेटस जो है प्रारंभ है, 22 सितंबर इसका लास्ट डेट है। अगर हम लास्ट डेट पर चर्चा करें तो इसका लास्ट डेट जो है वो 22 सितंबर है। इसी तरीके से शुल्क के रूप में ₹100 फीस जमा करने हैं तथा जो है एससी और एसटी के लिए आवेदन में पूरी तरीके से निःशुल्क व्यवस्था अपनाई गई है। तो एक सामान्य जानकारी के साथ आवेदन का स्टेटस हम लोगों ने यहां पर देख लिया। अब हम योग्यता पर बात करेंगे। योग्यता दो प्रकार की यहां पे हो सकती है, एक जो है पहली जो है शैक्षिक योग्यता और दूसरा जो है वो उम्र। ये दो जो है योग्यता और अर्हताएं हैं। शैक्षिक योग्यता में आपको हाई स्कूल की परीक्षा कक्षा 10 क्लास 10 तक जो है आपको किसी बोर्ड से जो है आपको उत्तीर्ण होना है। और इसी तरीके से उम्र के अंतर्गत जो है 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, 18 से 40 वर्ग के आयु वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं। और यह उम्र का निर्धारण आपके आवेदन की तिथि के प्रारंभ होने से माना जा रहा है। तो इस तरीके से जो है उम्र जो है आपका 18 से 40 के बीच में जो है होना चाहिए। शैक्षिक योग्यताओं में आपको कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और आपको कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण होना है। इसी के साथ जो है इसमें एक और जो है अर्हता बताई गई है शैक्षिक, कि उसको अंग्रेजी गणित और स्थानीय भाषा, अंग्रेजी गणित और स्थानीय भाषा की जानकारी होना चाहिए। ये जो है
आपकी पढ़ाई में सम्मिलित होना चाहिए। अंग्रेजी और गणित की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए और स्थानीय भाषा की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप जो है जब इस तरीके के डाक से संबंधित काम करेंगे तो वहाँ पे स्थानीय स्तर पर लोगों से आपकी मुलाकात होंगे, उनसे आपको इंटरेक्ट होना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में स्थानीय भाषा की जानकारी आपको जरूरी होना चाहिए। और जो यहाँ पे पोस्ट का नाम है भारतीय डाक विभाग में, वो GDS इसको कहा गया है, GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक, ग्रामीण डाक सेवक, GDS ग्रामीण डाक सेवक, ये पोस्ट का आपके नाम है, जो कि यूपी सर्किल के लिए 4264 पदों पर भर्ती हो रही। आवेदन की स्थिति ये है, शुल्क के रूप में है, योग्यता आप में दो तरीके की, शैक्षिक और उम्र की है, और यहाँ पे 10 पास होना चाहिए और अंग्रेजी गणित के साथ स्थानीय भाषा की आपको जानकारी होना चाहिए। इसके साथ में जो है चयन के बारे में हम आपको बात कर लेते हैं। चयन के संदर्भ में आपकी मेरिट सूची के आधार पर आपका चयन किया जाएगा और ऊपर से आपका चयन किया जाएगा। 4264 पदों तक आपकी मेरिट का अनुक्रम जहां तक आता है वहीं तक के स्टूडेंट और अभ्यर्थी का जो है इस पोस्ट पर चयन होगा। यानी कि इसमें जो है कक्षा 10 के जो मार्क्स होंगे उन्हीं मार्क्स के आधार पर आपके गुणांक या मेरिट बनाए जाएंगे और उसके आधार पर इन पदों पर भर्ती होगी। और दूसरा इसमें एक और कंफ्यूजन जो साक्षात्कार का है, तो इस पद के लिए साक्षात्कार की जो है व्यवस्था नहीं की गई है, जो कि एक अच्छी भी व्यवस्था है, भर्ती के लिए पारदर्शिता की व्यवस्था को मेंटेन करता है। इसमें आप लोगों के लिए जो मानदेय की व्यवस्था या वेतन जिसको आप कह सकते हैं, वो GDS पोस्ट के लिए जो है प्रारंभ में 10,000 रुपये के लिए जो है बनाया गया है, ये आपको दिया जाएगा डाक विभाग में। और इस पद की ये विशेषता होती है कि धीरे धीरे इन पदों पर काम करने वाले लोगों के लिए विभागों में भर्ती पूरा निकलती है और वह परमानेंट जो है व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित कर लिए जाते हैं। पूर्व में भी कई बार जो है डाक विभाग के द्वारा इस तरीके की भर्तियाँ आयोजित की गई हैं। तो निश्चित तौर पर यह एक तो ग्रामीण क्षेत्र में, दूसरे उत्तर प्रदेश सर्किल के अंतर्गत जो है काम करने का एक जो है मौका भारतीय डाक विभाग ने जो है यहाँ के अभ्यर्थियों को प्रदान किया है। तो आप अपनी जो है क्राइटेरिया को देख लीजिए, अगर आज भी इन क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो निश्चित तौर पर आप आवेदन कीजिए और चयन सूची में अपना स्थान बनाने का प्रयास कीजिए। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने भारतीय डाक विभाग भर्ती 2021 के विभिन्न प्रकार के जो है आवेदन की स्थिति, उसकी सामान्य जानकारी, उसकी चयन की प्रक्रिया, उसके वेतन और वहाँ पे योग्यता इत्यादि के बारे में चर्चा किया। तो आप लोग जो है अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस डाक विभाग की जो है साइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की जो है कोई भी जटिलता नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डाक विभाग में निकली हुई भर्ती के बारे में पूरा चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ कि इस भर्ती के बारे में आपको स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो आप तत्काल अगर इसके संदर्भ में अपनी योग्यता को रखते हैं तो आप आवेदन कीजिए और भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होइए। तो आज के लेक्चर में बस इतना है, पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।